इंडियन वल्चर, एज द नेम इंडिकेट दिस इज़ इंडियन वल्चर, सो ऑब्वियसली इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इंडियन रीजन है. नेटिवली ये इंडिया और पाकिस्तान में है, बट इट हैज़ बीन ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन वेरियस एरियाज ऑफ नेपाल वेयर इट इज़ कंसिडर टू बी अ वैगरेंट. वैगरेंट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या कोई भी, इवन ह्यूमंस भी हो सकते हैं, जो वॉन्डर करते रहते हैं, जो एक जगह पे सेटल नहीं होते. सो नेपाल में किसी प्रॉपर जगह पे ये, या किसी प्रॉपर एरिया में नहीं ये मिल रहे, ये थ्रू आउट द नेपाल दीज एनिमल्स हैज़ बीन स्पॉटेड. विद रेफरेंस टू IUCN रेड डाटा लिस्ट, दे आर अंडर द क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी. दिस इज़ वेरी अलार्मिंग बिकॉज दिस एनिमल इज़ एक्चुअली ए स्केवेंजर. वहाँ पर क्यों क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर ये चला गया है या उस कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया गया है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये नज़र आती है कि इस एनिम बहुत ज़्यादा तादाद में इन एनिमल्स को मुर्दा पाया गया है इन पाकिस्तान एंड इंडिया. सो दिस इज़ कंसिडर टू बी अ मेजर थ्रेट एज वेल. दीज वल्चर्स वर बींग फाउंड डेड एंड डाइंग इन पाकिस्तान थ्रू आउट द इंडिया. इस पूरे रीजन में जो इसका नेटिव एरिया है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा तादाद में इनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो मिली हैं. इट वॉज फाउंड दैट दी डेड बॉडी और दे बिकम डेड बिकॉज ऑफ द पॉइजनिंग एक्टिविटीज़. वट हैड हैपन्ड के जो लाइफ स्टॉक है, जिसमें कैटल्स हैं, जिसमें वेरियस तरह के गोट्स शामिल हैं, इन एनिमल्स को ट्रीट करने के लिए पर्टिकुलरली कुछ मेडिकेशंस प्रोवाइड की जाती रही हैं, लाइक जिसमें डाइक्लोफेनिक बहुत ज़्यादा कॉमन है, या इसके अलावा कुछ ऐसी नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी इन एनिमल्स को दी जाती रही हैं, जिसकी वजह से लाइफ स्टॉक तो ठीक हो जाता रहा है, मगर जब इन एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो इन एनिमल्स को छोड़ दिया जाता था डेफिनेटली फॉर द स्केवेंजिंग एक्टिविटीज़ फॉर दीज वल्चर्स. जब इन वल्चर्स ने इनको आके खाना शुरू किया, अपनी फीडिंग के तौर पे इसको यूटिलाइज करना शुरू किया, तो इन वल्चर्स में थ्रू फूड चेन ये डाइक्लोफेनिक सॉल्ट्स एज वेल एज जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं वो इन वल्चर्स में उनकी बॉडी में चली गई. एंड एज अ रिज़ल्ट, क्योंकि ये जो वल्चर्स हैं या जो इनका सिस्टम है दैट इज़ नॉट मेंट फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ डाइक्लोफेनिक और द ड्रग्स लाइक दैट, सो इनको रेनल फेलियर दैट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड. जब इनका पोस्टमार्टम किया गया तो इनके रेनल फेलियर की वजह से इनकी डेथ को डिक्लेयर किया गया कि इनकी जो डेथ हुई है वो रेनल फेलियर की वजह से हुई है, और वो रेनल फेलियर की रीज़न डाइक्लोफेनिक और उस तरह की जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं वो रीजंस बनी. सो उसके बाद एक थ्रेट ये इनको आया कि इन एनिमल्स को जो मेजर पॉइजनिंग है डेफिनेटली वो इस तरह की मेडिकेशंस की वजह से होती है. सो इस हवाले से अगर हम कंजर्वेशन स्ट्रेटजी की बात करें या कोई प्रपोज्ड कंजर्वेशन प्लान्स की अगर हम बात करें, तो वो ये हो सकते हैं कि इन मेडिसन्स को जो इन एनिमल्स को दी जाती हैं बाय द वेटनेरियंस, ऑब्वियसली इसको कम किया जाए. इसको कई कंट्रीज़ में बैन भी किया गया है, मगर इसके बैन ना होने की सबसे बड़ी रीज़न ये है दैट दीज सॉर्ट ऑफ मेडिसन्स आर ऑल्सो अप्लाइड टू द ह्यूमंस. सो अगर ये मेडिकेशंस ह्यूमंस के लिए अवेलेबल हैं तो वहाँ पर डेफिनेटली इन मेडिसन्स को जो ह्यूमंस के लिए यूज़ हो रही हैं, अगर आप वेटनरी में यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली ये सोर्स स्टिल अवेलेबल रहेगा. सो हमें ह्यूमंस की मेडिकेशंस जो डाइक्लोफेनिक लाइक सॉल्ट्स हैं या जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं उनके ऊपर पर्टिकुलर करना चाहिए दैट दे आर मेंट फॉर ह्यूमंस ओनली, और जो वेटनरी के लिए अगर इनके अलावा कोई ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं तो डेफिनेटली उनको यूटिलाइज करना चाहिए ताकि इस इंपॉर्टेंट वाइल्ड एनिमल्स को बचाया जा सके और जो इसकी स्केवेंजिंग एक्टिविटी है ताकि वो बरकरार रहे और जो इसके नेचुरल फिनोमिनन है यानी इकोलॉजिकल क्लीनिंग या जो बाकी चीज़ें इसके साथ अटैच्ड हैं वो डेफिनेटली बरकरार रही जा सके. सो द लाइकली फैक्टर्स जो इसकी थ्रेट्स के हो सकते हैं, दे आर द पॉइजनिंग, दे आर द पेस्टिसाइड यूज,
द कन्वर्जन एंड डिस्टर्बेंस ऑफ द फॉरेस्टेड हैबिटेट्स विद इन इट्स रेंज. विद रेफरेंस टू द कंजर्वेशन एक्शंस दे आर इंक्लूडेड इन द अपेंडिक्स ऑफ साइटीज टू. देर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से एनजीओ दैट इज कॉल्ड सेव, दैट इज सेविंग एशियाज वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन. इसको डिवेलप किया गया है और जस्ट इसकी डिवेलपमेंट की रीज़न यही है कि उन वल्चर्स को सेफ जोन्स प्रोवाइड किए जाएं फॉर देयर ब्रीडिंग एज वेल एज फॉर देयर रूटीन परफॉर्मेंस एक्टिविटीज. ये जो सेफ जोन्स हैं, दीज आर द एरियाज विद मिनिमम ऑफ 100 किलोमीटर रेडियस एंड 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो टोटल एरिया है उसको डिक्लेयर किया जाए कि वो सेफ जोन है, ताकि वहाँ पर जो वल्चर्स हैं वो अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें. एंड दे ऑब्वियसली मेड देयर कॉलोनीज, वहाँ पर अपनी ब्रीडिंग कॉलोनीज डेवलप करें, ताकि उनका जो नंबर बहुत हद तक रिड्यूस हो गया है, क्योंकि वो बहुत डेंजरस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव किया जा सके. एजुकेशन एंड एडवोकेसी एफर्ट्स आर फोकस्ड ऑन एलिमिनेटिंग द यूज़ ऑफ डाइक्लोफेनिक एंड अदर वल्चर टॉक्सिक ड्रग्स, बिकॉज अगर उस सेफ जोन में डेफिनेटली अगर हम इस चीज़ को एडवोकेट करेंगे, प्रॉपर लिटरेचर सर्वेज करेंगे या लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर करेंगे दैट दीज टाइप ऑफ नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कैन नॉट बी यूज फॉर द वेटनरी पर्पजेज, तब जो एनिमल्स हैं उनको सेफ किया जा सकता है. सैटेलाइट टैगिंग हैज़ बीन एम्प्लॉयड ऑन एशियन वल्चर्स टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर मूवमेंट्स एंड रेंज यूजेस. दिस इज़ द हाईली लेटेस्ट एंड इक्विप्ड सिस्टम, जिसकी वजह से ये पता लगाया जा सकता है कि ये एनिमल्स की प्रॉपर मूवमेंट क्या है, वो उनका जो मोड ऑफ एक्शन है या किस जगहों को वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ताकि उनकी नेचुरल हैबिटेट को कंजर्व किया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, और वहाँ पर जो उनकी स्केवेंजिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको भी वॉच किया जाए कि जो वो कैटल्स खा रहे हैं या जो बाकी एनिमल्स को जो स्केवेंजिंग कर रहे हैं, उन एनिमल्स को कहीं पॉइजनिंग डाइक्लोफेनिक की तो नहीं प्रोवाइड की गई, और उन एनिमल्स को भी कोशिश की जाए, यानी जो लाइफ स्टॉक है उनको कोशिश की जाए कि इस तरह की जो मेडिसिन हैं या जो मेडिकेशन हैं वो ना प्रोवाइड की जाएँ, ताकि पर्टिकुलरली इस तरह के वल्चर्स को सेव किया जा सके.